नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्ष अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। भारत के 32 खिलाड़ियों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश, सड़कों पर बरस रहे बम। अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है, हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए, फारूक अब्दुल्ला। इमरान खान के समर्थकों का पीएम शहबाज शरीफ के घर हमला, पेट्रोल बम फेंके। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के 32 खिलाड़ियों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश, सड़कों पर बरस रहे हैं बम। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। चारों ओर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और साथ में ही हिंसा भी हो रही है। जी हां, इस बीच लाहौर में ब्रिज टूर्नामेंट के हिस्सा लेने गए भारतीय खिलाड़ियों को भी तुरंत पाकिस्तान छोड़ने के निर्देश मिले हैं। बता दें कि भारत के 32 खिलाड़ी लाहौर में चल रहे हैं एशिया और मिडिल ईस्ट ब्रिज टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे। बता दें पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट 5 मई को शुरू हुआ था और ये 13 मई तक चलना था। भारतीय खिलाड़ियों के वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में एंट्री की थी, लेकिन अब भारतीय उच्चायोग ने उन्हें तुरंत लाहौर से भारत लौटने के लिए कहा है। पाकिस्तान की कानून व्यवस्था ध्वस्त। जी हाँ, बता दें कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने नजर आ रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता अपने नेता की गिरफ्तारी के बाद हिंसा कर रहे हैं। जवाब में पुलिस ने कई जगह फायरिंग भी की है, प्रदर्शनकारी पुलिस पर बम से भी हमला कर रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय खिलाड़ियों को तुरंत भारत लौटने के लिए कहा गया है। स्थगित होगा ब्रिज टूर्नामेंट। जी हाँ, बता दें कि पाकिस्तान में चल रहे ब्रिज टूर्नामेंट भारत के अलावा फिलिस्तानी, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और बांग्लादेश के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं, उसे देखने के बाद यही लग रहा है कि इस टूर्नामेंट को बीच में ही स्थगित कर दिया जाए। जी हाँ, बाल बची न्यूजीलैंड की टीम। जी हाँ, गनीमत की बात यह है कि पाकिस्तान के दौरे पर गई न्यूजीलैंड की टीम पर हिंसा की चपेट में नहीं आई। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में T20 और वनडे सीरीज खेली रही थी। लाहौर, सवलपिंडी और कराची में न्यूजीलैंड ने 5 वनडे और 5 T20 मैच खेले। न्यूजीलैंड की टीम जैसे ही पाकिस्तान से निकली, उसके बाद से ही वहाँ से ये बवाल शुरू हो गया है। अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है, हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए, फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी कर भारी विरोध प्रदर्शन और आ रही हिंसा की खबरों के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आज बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है, हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए जो उपमहाद्वीप में शांति के लिए ज़रूरी है। पूर्व सीएम पीएम इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वो भ्रष्टाचार के एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे। जी हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में मौजूदा हालत पर कहा, अस्थिर पाकिस्तान हमारे लिए खतरनाक है, हमें एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए जो उपमहाद्वीप में शांति के लिए ज़रूरी है। हम उस देश के अच्छे होने की कामना करते हैं, ये हमारा पड़ोसी है और हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर आएगा और लोगों का शांतिपूर्ण जीवन होगा। बता दें कि पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीरे इंसाफ पार्टी यानी पीटीआई के समर्थकों ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। पीटीआई के समर्थक पूरे पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। इसी बीच पाकिस्तान तहरीरे इंसाफ पार्टी ने आज घोषणा की कि वह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी जिसमें पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध करारा दिया गया है। जी हाँ, इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने स्थिति का जायजा लेने और पार्टी प्रमुख की जल्द से जल्द सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए 7-10 सदस्यीय समिति की आपात बैठक बुलाई। जी हाँ, कुरैशी ने समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया जिनमें सीनेटर सैफुल्ला खान, नियाजी आजम, स्वाति एजाज चौधरी, मुराद सईद अली अमीन खान,
गंडापुर और हसन नियाजी शामिल है। कुरैशी के हवाले से कहा गया है, पीटीआई राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी द्वारा पार्टी प्रमुख इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध करार देने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आज शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। अलकादर ट्रस्ट से जुड़े मामले को गंदा राजनीतिक मामला और बदले की साजिश करार देते हुए पीटीआई उपाध्यक्ष ने कहा है, हम इसके खिलाफ राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर लड़ेंगे। उन्होंने कहा, पीटीआई इमरान की जल्द से जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए देश भर में बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेगी। कुरैशी ने आरोप लगाया है कि इमरान ने अदालत में अपनी पेशी से पहले दिन बयान में स्वैच्छिक गिरफ्तारी की पेशकश की थी, बावजूद इसके उन्हें पकड़ने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में छापा मारा गया। जी हाँ, पीटीआई उपाध्यक्ष ने कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी फांसीवाद में है और बायोमेट्रिक के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर धावा बोलना और वकीलों को घायल करना निर्दलीय है। उन्हें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अदालत में इमरान की त्वरित पेशी के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया। इमरान खान के समर्थकों का पीएम शहबाज शरीफ के घर हमला, पेट्रोल बम फेंके। जी हाँ, भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने बुधवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लाहौर स्थित आवास पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई पार्टी के 500 से अधिक उपद्रवी बुधवार तड़के प्रधानमंत्री में मॉडल टाउन लाहौर स्थित आवास पर पहुंचे और वहां खड़े वाहनों में आग लगा दी। उपद्रवी ने प्रधानमंत्री के घर में पेट्रोल बम भी फेंके। पंजाब पुलिस के इस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिक्र समय उपद्रवियों ने हमला किया, उस वक्त प्रधानमंत्री के आवास पर केवल चौकीदार मौजूद थे। जी हाँ, उन्होंने वहाँ एक पुलिस चौकी को भी आम के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस का एक दल वहाँ पहुँचा, पीटीआई प्रदर्शनकारी वहाँ से चले गए। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास पहुँचने से पहले खान के समर्थकों की भीड़ ने मॉडल टाउन से सत्तारूढ़ पीएमएलएन सचिवालय पर हमला किया, वहाँ खड़े वाहनों में आग लगा दी। उन्होंने वहाँ के अवरोधकों को भी आग के हवाले कर दिया। उल्लेखनीय है कि इमरान को मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से ही इमरान समर्थकों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जी हाँ, देश में हिंसा और आगजनी हो रही है। देश में धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएँ बंद कर दी गई है, 4 में से 3 प्रांतों को सेना के हवाले कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी समेत कई पीटीआई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।